भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है, नई तकनीक की जरूरत है। ये इनोवेशन हमारे ग्रामीण समाज से भी आए, इसलिए आज स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज, मैं खास करके नौजवानों को कहता हूं, बैंगलोर हैदराबाद में स्टार्टअप की जाल पर काम करने वाले देश के होनहार नौजवानों को विशेष रूप से कहता हूं, आईआईटी में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को विशेष रूप से कहता हूं, आइए स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज के अंदर जिसकी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप उससे जुड़िए और आप, हमें समाधान खोजना है कि हरे चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें भी पोषक आहार कैसे मिले, प्लास्टिक की थैलियों का सस्ता और सुलभ विकल्प क्या हो सकता है, ऐसे अनेक विषयों का हल देने वाले स्टार्टअप शुरू होने चाहिए, शुरू किए जा सकते हैं और भारत सरकार आज उस चैलेंज को आपके सामने लॉन्च कर रही है। आइए नए नए आइडियाज लेकर के आइए, अरे देश की समस्याओं का समाधान देश की मिट्टी से ही निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अपने युवा साथियों को आश्वस्त करता हूं कि उनके आइडियाज पर गंभीरता से विचार होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरी निवेश की व्यवस्था भी की जाएगी, इससे रोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, मथुरा सहित ये पूरा ब्रज क्षेत्र तो आध्यात्म और आस्था का स्थान है, यहां हेरिटेज टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि योगी जी की सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। आज मथुरा, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना में सुंदरीकरण, ब्यूटिफिकेशन और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। यहां बनने वाली सुविधाएं सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, वहां पीएम की जो मेडिकल टीम है वो जरा वहां पहुंचे और वो साथी गिर गए हैं उनको जरा मदद करें, पीएम की जो मेडिकल टीम है वो तुरंत वहां पहुंचे। यहां बनने वाली सुविधाएं सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के टूरिज्म को बहुत ताकत देने वाली है। बीते 5 वर्षों में टूरिज्म का जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है उससे भारत की रैंकिंग में बहुत बड़ा सुधार आया है। कुछ ही दिन पहले टूरिज्म की ग्लोबल रैंकिंग के परिणाम आए हैं, इसमें भारत 34वें नंबर पर पहुंच गया है जबकि 2013 में भारत 65वें नंबर पर था। भारत की ये सुधरती हुई रैंकिंग इस बात का भी गवाह है कि इस क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर निरंतर बने रहे हैं।